इंदौर में शुक्रवार सुबह कांग्रेस नेताओं ने दो पुतले फूके, अलग अलग जगह प्रदर्शन किया, नारे लगाए और पुतलों में आग लगाई। कांग्रेस नेताओं ने जिन दो पुतलों को फूका, इसमें एक बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह का पुतला था, जबकि दूसरा पुतला पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का है। कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले भारत की महिला रेसलर खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में एक WFI अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह सरण का पुतला फूका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं करने के विरोध में यह किया गया है। नेताओं ने कहा, भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाले रेसलर्स को यौन शोषण करने वाले बीजेपी सांसद पर FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। वहां से आदेश के बाद भी दिल्ली पुलिस बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी के बजाय महिला पहलवानों से बदसलूकी कर रही है। केंद्र सरकार बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे है। इंदौर शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जोशी ने कहा, कांग्रेस पार्टी इन महिला पहलवानों के सम्मान में खड़ी है, निरंतर आंदोलन करती रहेगी। ब्रजभूषण सिंह शरण जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिन्होंने बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करा, उनका शोषण करा, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, पर FIR भी उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब जाके उन पर FIR दर्ज हुई, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल हमारी महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने इंदौर के अंदर पुतला दहन करा।